Assalamu alaikum. Welcome to e-edification. It's me, Usman Ali, your English teacher. चले आज के लेक्चर का आगाज करते हैं. Today we will learn words with letter I. First word is intended. It's an adjective. It means planned or meant. In Urdu, it means matloob, socha hua ya samjha hua. Synonyms: deliberate, intentional, calculated, conscious, done on purpose, planned, considered, studied. The intended victim of the line escaped. He has written a comedy for her intended audience. Next, in vain. It's a phrase. It means without success or result. In Urdu, it means bekar, besood, or fazool. Synonyms: futile, useless, pointless, worthless. Police searched in vain for the missing gunman. They waited in vain for a response. Illumination. Illumination is noun. It means light. And its other meaning is spiritual or intellectual enlightenment. In Urdu, it means roshni, tabani, or hidayat. Synonyms: light, lighting, radiance, gleam, glitter, brilliance, glow, glare, dazzle, flash, shimmer, enlightenment, insight, revelation, discovery. The only illumination was from a skylight. White candles, the only illumination, burned on the table. He prayed for spiritual illumination. जो लास्ट सेंटेंस उसका मतलब कि उसने रूहानी हदायत के लिए दुआ की. नेक्स्ट इज इनवेरिएबली. इट्स एन एडवर्ब. इट मीन्स इन एवरी केस और ऑन एवरी ओकेजन. इन उर्दू इट मीन्स मुसलसल और हमेशा. सिनोनिम्स: ऑलवेज, एवरी टाइम, each time, on every occasion, at all times, without fail, without exception, whatever happens, and universally. The train is invariably late. It invariably rains in July and August. Next word is irritable. It's adjective. It means getting annoyed quickly or easily. In Urdu, it means tund mizaj, tez mizaj, ya phir bad mizaj or bad lihaz. Synonyms: bad-tempered, irascible, tachy, testy, touchy, scratchy, grumpy, grouchy, and moody. Be careful what you say. He is rather irritable today. Don't disturb me again, she said in an irritable tone. Next word is insinuated. It's the past participle of verb insinuate. It means suggest or hint something bad.
इन एन इनडायरेक्ट एंड अनप्लेजेंट वे, यानी इसका मतलब है कि किसी बुरी चीज़ को इशारे के साथ बयान करना, डायरेक्ट वे में बयान ना करना, इनडायरेक्ट वे में बयान करना। इन उर्दू इट मीन्स इशारा या किनाया। सिनोनिम्स: इम्प्लाई, सजेस्ट, हिंट, इंटीमेट, विस्पर, इंडिकेट, कन्वे द इम्प्रेशन। आर यू इंसिनुएटिंग दैट द मनी वॉज स्टोलन? ही वॉज इंसिनुएटिंग दैट आई हैड नो सेल्फ कंट्रोल, यानी कि मुझे इशारतन बता रहा था कि मेरा सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता। इंटेंटली, इंटेंटली इज एन एडवर्ब, इट मीन्स इन अ वे दैट गिव्स ऑल योर अटेंशन टू समथिंग। इन उर्दू इट मीन्स खूब ध्यान से, गौर के साथ या इरादे के साथ। सिनोनिम्स: अटेंटिवली, क्लोजली, कीनली, विद फैसिनेशन, रैप्टली, अर्नेस्टली, कंसंट्रेटेडली, हार्ड, स्टूडियसली, फिक्सली, एटसेट्रा। द चाइल्ड स्टेयर्ड इंटेंटली एट हर, शी वॉज लिसनिंग इंटेंटली टू एवरीथिंग ही सेड। नेक्स्ट वर्ड इज इंडस्ट्री, इट्स अ नाउन, इट मीन्स हार्ड वर्क एंड इट्स सेकेंड मीनिंग इज अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटी। इन उर्दू इट मीन्स मेहनत और कारोबार। सिनोनिम्स: हार्ड वर्क, इंडस्ट्रियसनेस, डिलीजेंस, असीड्यूटी, एप्लीकेशन, बिजनेस, ट्रेड एंड फील्ड। द कार इंडस्ट्री हैज फ्लरिश्ड नाउ। बाय इंडस्ट्री एंड थ्रिफ्ट लेबरर्स वुड हैव द चांस टू बाय देयर ओन लैंड, यानी मजदूर भी जो हैं वो अपनी जमीन खरीद सकते हैं मेहनत के साथ और समझदारी के साथ। नेक्स्ट वर्ड इज इनटॉलरेबल, इट्स एडजेक्टिव, इट मीन्स टू बैड और अनप्लेजेंट टू डील विद और एक्सेप्ट। इन उर्दू इट मीन्स नाकाबले कबूल, नाकाबले बर्दाश्त। इट्स सिनोनिम्स: अनबियरेबल, इनसफरेबल, अनस्पोर्टेबल, इनस्पोर्टेबल एंड अनड्यूरेबल। द सिचुएशन हैज बिकम इनटॉलरेबल। द कॉन्स्टेंट फाइटिंग मेड लाइफ एट होम इनटॉलरेबल। ऑफकोर्स देयर आर सो मेनी फाइट्स एट होम, इट मेक्स लाइफ इनटॉलरेबल। नेक्स्ट वर्ड इज इम्परसेप्टिबली, इट्स एन एडवर्ब, इट मीन्स इन अ वेरी स्लाइट वे दैट अ पर्सन इज अनएबल टू नोटिस और फील। इन उर्दू इट मीन्स गैर महसूस अंदाज में, आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि वो चीज़ जो हो तो रही है लेकिन वो नज़रों में नहीं आती, वो इतनी स्लो प्रोसेस में है या इतनी स्लो प्रोग्रेस में है कि उसको महसूस नहीं किया जा सकता। सिनोनिम्स: अननोटिसेबली, अनडिटेक्टिवली, इनडिस्टिंग्विशेबली। ग्रेजुअली, ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली, हर कंडीशन हैड वर्सन, यानी गैर महसूस अंदाज से उसकी हालत बदतर होती चली गई। The corners of her mouth rose almost imperceptibly. And that's all for today's lecture.